कार, बाइक और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। हाथी के बेकाबू होने से अफरा तफरी, विसर्जन जुलूस में हाथी बेकाबू हुआ। हाथी की वजह से 8 गांवों में दहशत। वन विभाग की टीम हाथी को पकड़ने में जुटी हुई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हाथी जब बेकाबू हो गया तो किस तरह से तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के छपरा में विसर्जन जुलूस में शामिल हाथी बेकाबू हो गया और उसने पटक पटक कर एक युवक की जान ले ली। हाथी ने कार, बाइक और दुकानें भी तोड़ दी। हाथी के बेकाबू होने से अभी 8 गांव के लोग दहशत में हैं। लगभग 1 घंटे तक हाथी की वजह से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल रहा। थोड़ी देर बाद हाथी को महावत और मेले में मौजूद लोगों की मदद से काबू कर लिया गया और इसके बाद उसे बगीचे में लाया गया जहां वो रहता था। उसे पेड़ से बांध दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद हाथी फिर भड़क गया और उससे रस्सी तोड़ी और एक युवक को पटक पटक कर मार दिया। इसके बाद हाथी वहां से भाग गया। घटना इकमा के भुईली गांव के पास की है। हाथी अभी भी पकड़ से दूर है। जानकारी के अनुसार हाथी के पीछे पीछे वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। वन विभाग हाथी को ट्रैकुलाइज करने की तैयारी में है, लेकिन टीम के पास ट्रैकुलाइजर ही नहीं है। इसे मुजफ्फरपुर से मंगवाया गया है। इस वक्त सबको इंतजार यही है कि किसी तरह से हाथी काबू में आए। तो ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि जब हाथी बेकाबू हुआ तो फिर किस तरह की स्थितियां। एक गाड़ी जो है वो पूरी तरह से तोड़ दी है हाथी ने और लगभग 1 घंटे तक इसी तरह का ड्रामा जो है वो सड़क पर मार्केट में चलता रहा। और अभी भी जो जानकारी मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रैकुलाइजर के जरिए वन विभाग की टीम जो है वो हाथी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैकुलाइजर भी वन विभाग की टीम के पास नहीं है जिसे मंगवाया गया है।